मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आप सबका फिर से एक बार। और आज दिन मंडे है और मैं बिलासपुर में हूँ और पीछे नाश्ता कर रहे हैं। भूख लग रही थी सुबह, मतलब लेट हो गया, बहुत 2:30 बज गए हमको निकलते निकलते। मौसम ख़राब है, बारिश हो नहीं रही है, पर मौसम ख़राब है, कभी भी हो सकती है। और सोमू कुछ दिखाने ले के जा रहा है, बोले मैं दिखाता हूँ तुम लोग को आज एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ तू व्लॉग बनाना। मैं बोला ठीक है भाई चलो, मैं तो जाऊँगा, तेरे पास आए ही घूमने, जा लेके चले वहाँ, तो पहले कुछ खा लेते हैं। बोले तो हम लोग खाने के लिए रुके हैं, डोसा वगैरह खा रहे सोमू उधर, मैंने खा लिया है तो मैं आ जाता हूँ। मैं बोला पहले गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ आप लोग को, और गुड मॉर्निंग बहुत बहुत, चलो अब चलते हैं आगे, कहाँ जाना है सोमू क्या दिखाता है, चलो देख के आते हैं। अभी प्लान हुआ है हमारा रतनपुर जाने का, सोमू ने प्लान किया है यहाँ से, मतलब जहाँ हम लोग रुके हैं बिलासपुर सिटी से अराउंड 30 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से एक डैम है, अगर टाइम बचा तो वहाँ से डैम भी जाएंगे 10 किलोमीटर, वहाँ पे डैम है कूटाघाट डैम। तो पहले जा रहे हैं हम लोग रतनपुर, वहाँ पे जाते हैं, रतनपुर एक मंदिर है, वहाँ की कोई हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री हमको सोमू अच्छे से बताएगा, वहाँ चल के बताएगा, यहाँ से चलते हैं पहले। यही है ना रतनपुर मंदिर पहुंच गए हम लोग बिलासपुर का, और इसकी हिस्ट्री है तो जानते ना इसकी हिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री इसका पता है ना, तो सोमू अब हिस्ट्री बताएगा, सुनो उससे या कैमरे की तरफ। यहाँ पे ये रतनपुर का महामाया मंदिर है आप लोगों के सामने ये जो दिख रहा है, अभी हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। ये बहुत साल पुराना मंदिर है, अंग्रेजों के भी पहले के समय का, लगभग करीब 7वीं-8वीं शताब्दी का यहाँ पर राज था हमारे कलचुरी शासन का, कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पे राज किया था। कलचुरी वंश के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक जितने भी वंशों ने शासन किया है उनमें जो कलचुरी है उन्होंने दूसरे लंबे, सबसे लंबे समय तक के शासन किया उन लोगों ने। तो कलचुरी वंश के जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश थे, उन लोग मूलतः मध्य प्रदेश से थे, उन लोग अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते यहाँ छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में एंटर किए उन लोग, है ना। तो उनमें से जो महाराजा रत्नदेव प्रथम थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया अपनी कुल देवी माता महामाया को मानते हुए। ये बहुत बड़ा मंदिर का विशाल प्रांगण है आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम माता का दर्शन करके आते हैं, तब तक के लिए अभी फिलहाल बाय है आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों को मस्त एक बहुत सुंदर डैम लेके चलेंगे हम लोग। चलो तो फिर सोमू के मुँह से आपने सुना पूरा हिस्ट्री, मैं खुद पहली बार आया हूँ ये मंदिर, मैं नहीं जानता था, ये जानता था, बहुत कुछ जानता है ये, तो मंदिर देखते हैं चलो। मोजा पहन के मत आना भाई मंदिर में कभी भी, मोजो को उतार देना हालत खराब हो जाएगी।
अब यहाँ से मंदिर से निकलने के बाद आगे का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं कूटाघाट डैम, जो सोमू बोला था बहुत ही सुंदर डैम, तो वही है वो कूटाघाट डैम, वो आ रहे पीछे से। तो बाइक में जा रहे हैं हम लोग, बाइक है यहाँ पे तो बाइक में ही घूम रहे हैं, और लाइट वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा है डैम, क्या है। अच्छा है बोल रहे सोमू, मंदिर के बाद पास में ही है तो चल वहाँ घुमा के लाता हूँ बोल रहे हैं। आज यहीं घूम लेते हैं, कल फिर अच्छी जगह ही चलेंगे बोल रहे हैं, और ये भी अच्छी जगह है और अच्छी जगह चलेंगे। तो ये देख लेते हैं पहले भी कूटाघाट डैम, चलो है ना। To hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I'm in love. ये डैम ओरिजिनल पीछे, क्या नाम है सोमू डैम का? कूटाघाट डैम भाई। और बिलासपुर आए और ये डैम नहीं देखे ना तो फिर क्या देखे बिलासपुर में? देखो पीछे अब मतलब बहुत बड़ा है। मैं खरखरा डैम गया हूँ ना लास्ट टाइम आपको दिखाया, तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा डैम है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं जहाँ तक देख लो पानी है, कोई टापू कोई एंड नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कुछ होगा तो होगा। और मस्त एकदम पॉइंट पे खड़े हम लोग, व्यू पॉइंट पे सेल्फी लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आपको सीन चेक करवाते हैं। ऐसे हैं कि देख सकते हो पीछे कितने प्यारे प्यारे सीन चल रहे हैं। देखो कल हुआ ऐसा सीन कि जब हम डैम से वापस आ रहे थे ना, निकल रहे थे, अंधेरा हो गया था और पानी चालू हो गया, और मैंने ना मोबाइल को डाल दिया बैग में, और उसी बैग में सोमू ने डाल दिया पानी, पानी की बोतल, और ढक्कन रह गया खुला। वो पानी वाटरप्रूफ बैग था, वो पूरा भर गया अंदर, फोन अंदर ही था, और हुआ ऐसा कि डिस्प्ले उड़ गया कल रात में, कैमरे में पानी घुस गया और डिस्प्ले अलग गुलाबी कलर का हो गया, अंदर पूरा पानी दिख रहा था। मैं बोला बंद कर दो, और आप में से जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी तक अपने सारे व्लॉग्स अपने मोबाइल से ही बनाए, यही मोबाइल से। तो अभी मैंने रात भर इसको स्विच ऑफ करके रखा हुआ था और अभी चालू किया हूँ, तो डिस्प्ले तो ख़राब हो गया, पिंक पड़ गया, आगे के कैमरे में पानी वाटर पेपर जम गया, पीछे का कैमरा काम कर रहा। तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से वापस घर, राजनांदगांव फ़ोन वगैरह बनवाऊँगा, फिर भले एक दो दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे, अभी यहाँ रुके हुए बाकी लोग, तो मैं भले हो सकता है वापस आ जाऊँ, पर अभी जाना जरूरी है क्योंकि फ़ोन बनाऊँगा तभी तो आगे व्लॉग बना पाऊँगा। पर चलो अच्छा है, ये गरिमत है कि बैक कैमरा चालू हो गया तो ये शूट कर पा रहा हूँ, ये वीडियो कंप्लीट करके आपको आज ही दे पा रहा हूँ। तो देख रहे हो कितना प्रॉब्लम हो रही है दोस्त, तुम लोग इसलिए मेरी बात मानो, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, करो भाई, कुछ नहीं जा रहा यार, करो। जब तक के लिए मतलब जब तक के लिए बहुत जल्दी आता हूँ, जल्दी फ़ोन मंगवाता हूँ, जल्दी आपके पास वापस आते हैं, जब तक के लिए गुड बाय और अलविदा भाई। मेरे नाल लड़े जेड़ा याद रखे, कदम कोई मेरी जगह जेड़ा मेरे बाद रखे, सनम कोई तेरा मेरी जगह मेरे बाद बने, किस्सा तेरा मेरा तेरी अखियां च राज बने, घी चढ़ना सुखा मना जो दुखी राग बने, कसम तेनू तेरा मेरा कदी ना मजाक बने, भावे गल बात ना बने पर गल बात कितों बने, जदों कदी साड़ी मुलाकात भी ना बने, तेरी याद तू मेरी पर